आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इन्वेस्ट करो और पैसा कमाओ, सेविंग पर कम ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा ध्यान दो। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा ही, लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि खुद में इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर आपने खुद में इन्वेस्ट किया है, मैं बस पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नई स्किल्स की, मैं बात कर रहा हूं नई लर्निंग्स की, मैं बात कर रहा हूं टाइम की, मैं बात कर रहा हूं आपके पैशन की, तो भाई खुद में इन्वेस्ट कैसे करें? आपको ये तो पता है कि भाई पैसे का इन्वेस्ट कैसे करना है। आपने कहीं भी जमीन ले ली, सोना ले लिया, बिटकॉइन ले लिए, आपने और हजार तरीके की इन्वेस्टमेंट कर ली, लेकिन खुद में इन्वेस्टमेंट कैसे होगी ये आज आपको पता चलेगा वीडियो के एंड तक। यू विल बी अ ग्रेट बिजनेसमैन जो खुद में इन्वेस्ट कर सकता है। पहली चीज, फोन और इंटरनेट को एंटरटेनमेंट के लिए 10% यूज करना है। अभी क्या हो रहा है, आप 2% यूज कर रहे हो बस पैसा कमाने के लिए या कुछ सीखने के लिए, और 98% यूज हो रहा है बस एंटरटेनमेंट के लिए। यूट्यूब पर स्क्रॉल करे जा रहे हो, फिर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करे जा रहे हो, फिर फेसबुक पर स्क्रॉल करे जा रहे हो, और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप पे गलत खबरें फैला दे रहे हो। जब तक भाई एजुकेशनल शोज नहीं देखोगे, जब तक कुछ ऑनलाइन सीखोगे नहीं, तब तक फोन और इंटरनेट का कोई फायदा उठा ही नहीं पाओगे। एंटरटेनमेंट ढूंढ लो, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जो फनी हैं, हंसना ही है तो वैसे इंटरव्यूज देखो, कुछ लाइफ लेसन तो लेकर जाओगे। बुक्स पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है तो ई बुक्स पढ़ लो, ई बुक्स नहीं पढ़ रहे तो उनकी ऑडियो सुन लो, यूट्यूब रहा, वहाँ पर हर एक बुक का आपको ऑडियो फॉर्मेट मिल जाएगा। लेकिन भाई एंटरटेनमेंट से बाहर निकल कर आओ। दूसरी चीज़, चूज योर फ्रेंड वाइजली, दोस्त बड़े तरीके से आपको चूज करें। देखिए एक बहुत बड़ी बात कही किसी इंसान ने, अगर तुम 5 ब्रोक लोगों के साथ घूमते हो, यानी कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, बर्बाद 5 आदमी हैं, तुम उनके साथ घूम रहे हो और तुम बर्बाद नहीं हो, तो भाई विद इन अ ईयर तुम 6th बर्बाद आदमी होगे, तुम 6ठे बर्बाद आदमी होगे, वो आपको कर देंगे मिलजुल के बर्बाद। और वहीं तुम 5 मिलियनर के साथ घूमते हो और तुम एक मिलियनर नहीं हो, तो 1 साल के अंदर तुम 6ठे मिलियनर हो जाओगे। तो हमेशा अपने फ्रेंड्स थोड़ा समझदारी के साथ चुनना, और फ्रेंड्स छोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं बन रही बात, इनके साथ लाइफ लॉन्ग अगर रहूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा, तो प्लीज़ उनको बोल कर छोड़ दें कि भाई गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ कामयाब बन जाने दो, फिर देखते हैं कैसे क्या मिलना है, लेकिन अभी आई वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस। ईट हेल्थियर, जितना हेल्थी खाओगे उतना ही आपका फायदा। किसी ने पूछा था वॉरेन बफे से कि व्हाट्स द रोल ऑफ हेल्थ इन बिजनेस, देन ही सेड इफ यू आर डेड यू आर आउट ऑफ बिजनेस। भाई जितना हो सके उतना हेल्दी खाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखो, ये खुद की ही इन्वेस्टमेंट है। स्पेंड योर मनी ऑन एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस पर मनी स्पेंड कर सकते हो ना कर दो उसको। ऐसा कभी मत समझो कि मनी बर्बाद हो गई है, इससे कुछ आने जाने वाला नहीं है। जहाँ एक्सपीरियंस मिलता है वहाँ पैसा फूकने से 1% भी मत डरो, फूक दो जितना पैसा फूका जा रहा है। लेकिन अगर वो एक्सपीरियंस कहीं काम आए, वो एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा है, तुम्हारे लाइफ गोल्स के लिए अच्छा है, तो समझो उससे बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। ट्रैवल मोर, जितना हो सके उतना ट्रैवल करो। भाई ट्रैवलिंग से बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस आता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। देखिए इंडिया एक ऐसी जगह जहाँ पर ना ओपिनियन बदलते हैं लोगों के, कपड़े बदलते हैं, खाना बदलता है, रहने का स्टाइल बदलता है। जितना घूमोगे ना उतनी ज़्यादा लोगों से मुलाकात होगी, उतना ज़्यादा आप देखोगे अलग अलग तौर तरीके, उतना लोगों से सीखोगे। तो जितना हो सके ट्रैवल करो। और लास्ट की चीज़ जो तुम्हें हमेशा काम करनी है, लव योरसेल्फ, जितना हो सके अपने आप से प्यार करो, खुद को बेस्ट मान के चलो कि हाँ। देखिए कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस दो अलग अलग चीज़ें, मैं और कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा कि हमेशा ही मैं अच्छा हूँ, बस अपने आप को बेस्ट मान के चलो कि हाँ तुम यहाँ लड़कर जीत सकते हो। बाकी बहुत सारी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।